जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आपको बताएंगे 21वां नंबर प्रश्न जो अंशों के हरण से संबंधित है। यदि आप पूरी की पूरी कॉरपोरेट अकाउंटिंग क्रमानुसार क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9792-4656-32 पर 7275-8146-56 ये दोनों हमारे व्हाट्सएप नंबर है, यही दोनों हमारे मोबाइल नंबर हैं। आपको पेड क्लास उपलब्ध है जिसमें बेहद ही न्यूनतम शुल्क में ऑफलाइन से अच्छी शिक्षा दी जाती है। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के पास शेयर कर दीजिएगा। 21वें नंबर प्रश्न में हम क्या है, क्या बोल रहा है इसके बारे में पहले पूरा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दीपा लिमिटेड ने, कंपनी का नाम है दीपा लिमिटेड, 10,000 अंश प्रत्येक 100 रुपए वाले दीपा लिमिटेड ने 10,000 अंश, एक अंश 100 रुपए का, 6% प्रीमियम। 6% प्रीमियम का मतलब है इसी 100 रुपए का 6% प्रीमियम। मतलब कि दीपा लिमिटेड ने 10,000 अंश निर्गमित किए 100 रुपए वाले 6% प्रीमियम पर, यानी कि 100 रुपए का 6%, 6 रुपया, यानी कि 100 का अंश जो है 106 रुपए में निर्गमित किया जा रहा है। कंपनी जो है दीपा लिमिटेड, जो 106 रुपया प्राप्त करेगी, कह रही है आवेदन पर 25 रुपया, आवंटन पर 35 रुपया, अंतिम याचना प्रथम एवं अंतिम याचना पर 46 रुपया, यानी कि प्रीमियम सहित जो ये प्रीमियम है वो अंतिम याचना में शामिल है। इसके पहले हम लोग जो पढ़ते थे वो प्रीमियम आवंटन में या आवेदन में शामिल होता था, लेकिन यहाँ पर अंतिम याचना में शामिल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपनी ने निर्गमित किए 10,000 अंश, खरीदने वाले कितने आए? आवेदन जो प्राप्त हुए 9,000। मतलब कि आप कंपनी का अंश बेचने गए हैं 10,000, खरीदने वाले कम आते हैं, तो इसे एक प्रश्न उठता है जिसे कहते हैं अल्प अभिदान, इंग्लिश में अंडर सब्सक्रिप्शन। जब निर्गमित किए गए अंशों से कम आवेदन आते हैं तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, अल्प अभिदान। निर्गमित किया गया 10,000, आया 9,000 आवेदन, ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबर का भी कहीं कहीं पूछता है, 5 नंबर का भी प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। अल्प अभिदान से क्या आशय है? अल्प अभिदान का मतलब निर्गमित किए गए अंशों से कम आवेदन आते हैं तो उसे अल्प अभिदान कहा जाता है। क्या कह रहा है? सभी को स्वीकार कर लिया गया, जितने लोग खरीदने के लिए आए हैं सबको स्वीकार कर लिया गया। 100 अंशों पर प्रथम एवं अंतिम याचना के अतिरिक्त शेष सभी राशियां प्राप्त हो गई। 100 अंश ऐसे हैं जिन पर प्रथम एवं अंतिम याचना का पैसा नहीं मिला है और सब पैसा मिल गया। इन 100 अंशों को कंपनी ने हरण कर लिया है, मतलब कि अंशों को कंपनी ने छीन लिया है, जब्त कर लिया है। आपको जर्नल एंट्री कंपनी की बहियों में करना है। हम एंट्री कैसे करते हैं आपको हमने बताया है एंट्री, इसके पहले बहुत सी वीडियो हमने अंशों के निर्गमन पर अपलोड कर रखी हैं। आवेदन की एंट्री होगी, आवंटन की एंट्री होगी, प्रथम एवं अंतिम याचना की एंट्री होगी। आप अपनी कॉपी में कॉलम बना लेंगे, हम कॉलम नहीं बना रहे हैं, कॉलम बना लेंगे। सबसे ऊपर लिखना है आपको इन द बुक्स ऑफ दीपा लिमिटेड, नीचे लिख देना है बीच में जर्नल एंट्री, लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ दीपा लिमिटेड। क्या करने जा रहे हैं? जर्नल एंट्री। कॉलम आपको बनाना है डेट का, पार्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट का और अमाउंट क्रेडिट का। पहली एंट्री होगी आवेदन पर, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा,
आवेदन कितने आए हैं? अगर 9000 आवेदन कम आए हैं तो कम वाले से गुणा किया जाएगा। 9000 और आवेदन का पैसा कितना है? 25 रुपया। 9000 का गुणा 25 रुपये से किया जाएगा। हम गुणा कर लेते हैं अपने मोबाइल का प्रयोग करके। जो छात्र इंटरमीडिएट के हैं मोबाइल का प्रयोग, कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो बीकॉम के हैं वे लोग कर सकते हैं। 9000 का गुणा कर देंगे 25 रुपये से, आ गया कंपनी के पास 225000 डेबिट में लिख दीजिएगा और 225000 क्रेडिट में लिख दीजिएगा, लिख लीजिए। दूसरी एंट्री होती है आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, लिख दिया जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 225000 डेबिट में, 225000 क्रेडिट में। तीसरी एंट्री होती है आवंटन की बारी आ गई। आवेदन पे दो एंट्री, अब आवंटन पे एंट्री होगी दो ठू। आवंटन की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट पे 35 रुपया कहा है, 35 का गुणा कर दीजिए कितने से? 9000 से, क्योंकि 9000 खरीदने वाले आए हैं, 9000 लोगों से मांगा जाएगा। 9000 अंशों पर 35 रुपये के हिसाब से 315000 डेबिट में और 315000 क्रेडिट में। चौथी एंट्री होगी आवंटन की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही 315000 मिल जाएगा। उसके बाद पांचवी एंट्री होती है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, देखो प्रीमियम भी है यहां पर ध्यान देना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ध्यान देना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी यहाँ पर होगा। कैसे होगा? कंपनी ने निर्गमित किए थे 9000 अंशों पर, देखो इस 46 रुपये में 40 रुपया पूंजी का है और 6 रुपया प्रीमियम का है, ठीक है। तो 9000 का गुणा 40 से, 9 चौक 36, 360000 पूंजी का मांगा जाएगा। 9000 का गुणा 6 से, 9 छक 54, 54000 रुपया मांगा जाएगा प्रीमियम का। 360000 प्लस कर देंगे 54000, 414000 रुपया मांगा गया ना। अब यहाँ पर छठी एंट्री देखना है, प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा 414000 मांगा गया है, सामने देखिए आप लोग 414000 मांगा गया है, 414000। एक अंशधारी ऐसा है जिन्होंने 100 अंश लिया है, प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि का भुगतान नहीं किया है। एक आदमी ऐसा है जिन्होंने 100 अंश लिया है, प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि का भुगतान नहीं किया है, तो 100 का गुणा कर देंगे कितने से? 46 रुपया प्रथम एवं अंतिम याचना है, 100 का गुणा 46 से कर दो, आ जाएगा 4600 माइनस कर दीजिए 414000 माइनस 4600, 409400, 409400, 409400। ये आपके सामने आ गया 6 एंट्री, इसको एक बार आप फिर से समझ सकते हैं। हमने आपको बताया आवेदन पर 2 एंट्री, आवंटन पर 2 एंट्री, प्रथम एवं अंतिम याचना पर 2 एंट्री होती है। उसके बाद आपको ध्यान देना है यहाँ पर मांगा गया 414000 प्रीमियम सहित। यहाँ पर एक अंशधारी ऐसा है जिन्होंने प्रथम एवं अंतिम याचना का पैसा नहीं दिया, तो 100 का गुणा 46 से कर देंगे, 4600 आएगा। 414000 में 4600 माइनस कर दीजिए। अब आपको बताने जा रहे हैं 7वीं नंबर एंट्री हरण की कैसे होती है। आप लोग हरण की एंट्री को इसी के नीचे लिखिएगा, हरण की एंट्री। हम हरण करने जा रहे हैं, हरण को फॉर फीचर कहा जाता है। हरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फॉर फीचर कहा जाता है।
हमने आपको बताया है हरण करते समय जो दो एंट्री होती है, जब प्रीमियम मिला हो, जब प्रीमियम ना मिला हो। यहाँ पर प्रीमियम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, प्रीमियम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिल भी नहीं रहा है। प्रथम एवं अंतिम याचना पे प्रीमियम है, जहाँ पर प्रीमियम हो देखते हैं वो पैसा दिया कि नहीं दिया। प्रथम एवं अंतिम याचना पे प्रीमियम है, प्रथम एवं अंतिम याचना का प्रीमियम का पैसा भी उसने नहीं दिया, इसका मतलब प्रीमियम नहीं मिला है। प्रीमियम नहीं मिला है तो एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने से मांगा गया हो। कितना शेयर है, 100 शेयर है, 100 अंशों पर एक अंश कितने रुपए का था, एक अंश 100 रुपए का था। जितने से मांगा गया हो पूंजी का गुणा करते हैं, 100 का गुणा 100 से होगा 1000 हो जाएगा, 10000 हो जाएगा। 100 का गुणा 100 से करेंगे तो 10000 हो जाएगा। 100 अंशों पर 100 रुपया पूंजी का मांगा गया था, जितने से मांगा जाता है उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। भाई 100 अंशधारी थे, इनसे टोटल पैसा कितना मांगा गया, 100 रुपया पूंजी का। प्रीमियम नहीं दिया है तो प्रीमियम को भी डेबिट कर लो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना, 100 अंशों पर एक अंश पे 600 रुपया प्रीमियम का मांगा गया था। हम देखते हैं जितने कितने अंशों का हरण करते हैं, जितने लोग पैसा ना दे पाए, 100 लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि 100 अंशों पर पैसा नहीं मिल रहा है। कितना नहीं मिल रहा है, 100 रुपया पूंजी का नहीं मिल रहा है, 6 रुपया प्रीमियम का नहीं मिल रहा है। इनसे मांगा गया कितना पैसा, 10000 पूंजी का, 600 प्रीमियम का, जो ना मिला हो क्रेडिट कर दो। क्या नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। 10600 में कितना नहीं मिला, 100 अंशों पर प्रथम एवं अंतिम याचना कितना नहीं मिला, 4600 रुपया नहीं मिला है। 4600 क्रेडिट कर दो, उसके बाद टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कैसे होगा, इसी 10600 में 4600 माइनस कर दो, आ जाएगा आपका क्रेडिट में, लिखना है क्रेडिट में 6000 रुपया। आपका आंसर जो आ रहा है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 6000 रुपया। फिर से सुनिए, मांगा गया 10000 पूंजी का, 600 प्रीमियम का, टोटल मांगा गया 10600। कितना नहीं मिल रहा, जो नहीं मिलता उसको क्रेडिट करते हैं, इसी 10600 में 4600 घटा लो, इसका मतलब कितना मिला है, 6000 मिला है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपको वीडियो मिलती रहेगी।